नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विनीताज बालकनी गार्डन में। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मेरा बहुत पुराना वाला मनी प्लांट है। सबसे पहले मेरे पास ये एक प्लांट था, तो इसके लिए मुझे गमला बड़ा मिल नहीं रहा था, तो मैंने इसे एक कट्टे का पॉट बनाया सिलाई करके, और फिर मैंने उसमें लगा दिया था। अब मुझे ये पॉट मिला है तो मैंने इसमें लगा दिया, क्योंकि ये बहुत बड़ा था तो मैंने इसको कट कर दिया था। उसका मैंने वीडियो बनाया है, तो आप वो चेक कर सकते हैं। और उससे मैंने बहुत सारी कटिंग्स भी तैयार की थी पानी में, कि कैसे लगानी है इसकी कटिंग्स, घना कैसे बनाना है इसको, मनी प्लांट को, तो वो आप वीडियो देख सकते हैं मेरे चैनल पे। और ये देखिए, मैंने इसको इसमें रीपॉट कर दिया है। मैंने इसको जो मॉस स्टिक है इसको हटाया नहीं था, और ऐसे ही नीचे से वो पूरा कट करके, क्योंकि कट्टे का था तो चारों तरफ से कटिंग करके सीधा रूट बॉल इसमें रख दिया है। और मैंने ज़्यादा खाद नहीं दी थी अभी, क्योंकि रीपॉटिंग करते समय हमें ज़्यादा खाद नहीं देनी चाहिए, वरना प्लांट शॉक में भी जा सकता है। तो हमें कम से कम खाद, या फिर खाद यूज़ ही नहीं करनी चाहिए। थोड़े दिन इसको 15-20 दिन लगे रहने दीजिए, और जब नई ग्रोथ नज़र आए तब आप इसमें खाद दे सकते हैं। और आज मैं, जैसा कि टॉपिक है, कि मैं आज आपको अपनी बालकनी दिखाऊँगी, और इंडोर प्लांट्स भी साथ में, तो जितना भी कवर कर सकती हूँ उतने आपको मैं दिखा दूँगी, कि ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो। ये देखिए, हमारी जो बालकनी होती है उसमें कुछ जगह पर बहुत कम धूप आती है, किसी जगह पर बिल्कुल नहीं आती, और किसी जगह पर बहुत अच्छी धूप आती है। तो हमें प्लांट्स को भी उसी तरह अरेंज करना चाहिए। जिन प्लांट्स को आप थोड़े दिन, आप जब भी साल भर अगर आप प्लांट्स को रखते हैं, तो आपको एक्सपीरियंस हो जाता है कि किस प्लांट को किस तरह की धूप चाहिए, या छाया चाहिए, या फिर सेमी शेड पसंद है उस प्लांट को। तो बस आप उस हिसाब से प्लांट्स को रखें, तो आपके यहाँ प्लांट बहुत अच्छे चलेंगे और ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी। फ्लावरिंग प्लांट है, क्योंकि कुछ फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उन्हें सेमी शेड पसंद होता है, उन्हें ज़्यादा तेज़ धूप पसंद नहीं होती है। ये देखिए, सारे पॉट्स मैंने रिपॉट किए थे, सारे प्लांट्स, इसलिए मैंने इन्हें नीचे रखा हुआ है, जहाँ पर बहुत हल्की हल्की छन के धूप आती है, ज़्यादा देर नहीं आती है, घंटे भर आती होगी, वो भी बहुत ही कम धूप आती है। तो मैंने इस जगह पे रख दिए, और जैसे ही इनमें मुझे नई ग्रोथ आएगी, या फिर एक हफ्ता हो जाएगा, तब मैं इन्हें धूप में रख दूँगी। जो धूप वाले प्लांट होंगे उन्हें धूप में, और जो इंडोर प्लांट्स होते हैं उन्हें हम जहाँ पर इंडोर प्लांट्स रखे हुए हैं वहाँ रख सकते हैं। ये है चिली का प्लांट, ये देखिए एक्सोरा, सारे प्लांट्स मैंने अरेंज कर रखे हैं। यहाँ अच्छी धूप आ जाती है तो मैंने इस जगह पर रखे हुए हैं, और बहुत तेज़ धूप जिन्हें चाहिए उन्हें आगे की तरफ रख दिया है। इस बालकनी में वैसे भी बहुत ही अच्छी धूप आती है, तो ये देखिए कितनी अच्छी फ्लावरिंग कर रहे हैं। ये तीन कलर का बोगनविला है, इसे एक साथ एक ही पॉट में लगाया हुआ है, और अब इसका सीज़न आया है तो ये अच्छी ग्रोथ करेगा। फ्लावरिंग जैसे ही ख़त्म होगी, नई नई पत्तियाँ आ जाएगी, तो ये बुशी हो जाएगा। ये मेरा बोगनविला का कटिंग से लगाया हुआ प्लांट है, छोटे से गमले में लगा रखा है मैंने, इसका भी वीडियो मैंने बनाया था। जब ये बड़े पॉट में लगा हुआ था तब बिल्कुल भी अच्छे से नहीं चल रहा था फ्लावरिंग, तो बहुत दूर की बात है। जैसे ही मैंने इसे छोटे पॉट में लगाया, और वैसे बोगनविला को रूट बॉन्ड पसंद होता है, तो आप जितने छोटे गमले में लगाते हैं वो उतनी ही अच्छी फ्लावरिंग करता है, अगर वो रूट बॉन्ड हो गया है तो। तो बोगनविला पे भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, वो आप देख सकते हैं, उसमें आपको पता चलेगा कि कैसे फ्लावरिंग हम ला सकते हैं अपने बोगनविला में जल्दी। इस जगह पर मैंने इस गमले में शिमला मिर्च के बीज डाले थे, जो छोटे छोटे प्लांट्स आ चुके हैं। शिमला मिर्च के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया कि आप बीज से कैसे लगा सकते हैं शिमला मिर्च को, तो वो भी आप देख सकते हैं, इसके पहले ही मैंने वो वीडियो डाला हुआ है। तो ये और डाले थे मैंने, और देख सकते हैं जेट प्लांट है, वेरीगेटेड। और ये है बेबी सन रोज़, इसकी कटिंग का भी मैंने वीडियो बनाया था जब मैंने ये कटिंग्स लगाई थी, बहुत सारे प्लांट्स हैं, तो एक एक के बारे में बात नहीं की जा सकती, लेकिन आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। जिस भी प्लांट के बारे में आपको जानकारी चाहिए, तो आप जितने भी मैंने वीडियो बनाए हैं उनमें से अगर आप का प्लांट अगर है जिसके बारे में जानना चाहते हैं, तो आप वो देख लीजिएगा।
क्रोसेंड्रा के ऊपर भी वीडियो बनाया हुआ है। क्रोसेंड्रा में भी मेरे बहुत अच्छी फ्लावरिंग हुई थी। ये है तुलसा जी, इसमें जितनी भी मंजरियाँ आ जाती है इसको आप कट कर दीजिए, पकने मत दीजिए, बीज मत बनने दीजिए, तो बहुत अच्छा ग्रो करेगा आपका प्लांट। ये देखिए, ये मॉर्निंग ग्लोरी के मैंने बीज लगाए हुए हैं, उनके पौधे हैं छोटे छोटे। ये मेरी पूरी बालकनी आपको यहाँ से दिखाती हूँ। ये है हैंगिंग बास्केट्स, ये जेट प्लांट की कटिंग्स लगाई हुई हैं, ये भी जेट प्लांट है, ये सारी कटिंग्स लगाई हुई हैं। मोगरे का प्लांट छोटा सा, इसमें देखिए नए नए शूट्स आने लगे हैं। अब मोगरे का भी मौसम आ गया है, तो इसमें भी जल्दी ही फ्लावरिंग होगी क्योंकि छोटे छोटे बर्ड्स नज़र आने लगे हैं इस छोटे से पौधे में। पिटूनिया भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग कर रहे हैं अभी। इनका सीज़न अब जाएगा तो आप नए प्लांट मत लाइएगा नर्सरी से अभी पिटूनिया के। ये है स्पाइडर प्लांट, क्रोसेंड्रा में कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। बहुत दिनों तक खिले रहते हैं प्लांट पर ये इसके फ्लावर। इसका नाम मुझे नहीं पता है, अगर आपको जानकारी हो तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। ये है नींबू का प्लांट और ये हमारा रोज मिट्टी के गमले में लगा हुआ है। जो ये रेड पिटूनिया में आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा फ्लावरिंग हो रही है, कितने सारे एक साथ फ्लावर खिले हुए हैं। छोटी सी बालकनी में देखिए कितने सारे प्लांट लगे हुए हैं, कितने सारे गमले रखे हुए हैं। बस सिस्टमेटिक आप रखते हैं तो बहुत सारे प्लांट आ सकते हैं। स्टैंड के ऊपर रखिए आप, स्टैंड में बहुत सारे प्लांट आ जाते हैं पास पास मीडियम साइज़ के, और उनके ऊपर आप छोटे छोटे गमले रख सकते हैं। ये हैं मेरे इंडोर प्लांट्स, ये मेरे सारे कटिंग से लगाए हुए हैं। और ये आपको मैंने स्टार्टिंग में दिखाया मेरा मनी प्लांट, और ये है इंडोर प्लांट सारे। इंडोर प्लांट्स की केयर कैसे करें ये इस पर भी वीडियो बनाया हुआ है, तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। जब भी मैं इंडोर प्लांट्स को पानी देती हूँ तो एक एक पॉट को उठाकर शावरिंग करती हूँ और बहुत अच्छे से पानी दे देती हूँ। तो ये जब तक बिल्कुल सूखती नहीं है मिट्टी, फिर मैं दोबारा नहीं देती हूँ। जब दोबारा सूख जाती है तब भी मैं इनको जब पानी देती हूँ तब शावरिंग भी बहुत अच्छे से करती हूँ, तो ये बहुत अच्छे से चलते हैं। और गर्मी में तो आपको डेली शावरिंग करनी है, हल्का हल्का स्प्रे कर दीजिए सारे प्लांट पर। बड़ी पत्ती वाले अगर प्लांट हैं तो उन्हें पोंछ दीजिए अच्छे से।